धन्यवाद सर। मैं खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक का पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मेरा प्रमंडल को अगर देखा जाए तो खनिज संपदा से भरा हुआ है। गोवा चिड़िया माइंस को अगर देखा जाए वहाँ आयरन का भंडार है, तो वही बगल में जो है खरसवा काइनाइट का भंडार है। थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर आइए तो वहाँ यूरेनियम का जादूगढ़ा में भंडार है। सामने जाइए 5 किलोमीटर तो गोल्ड माइंस है, और उससे भी आगे जाए तो तम्र जननी के रूप में जो जाना जाता है कोयला आपका कॉपर वहाँ पर मिलता है। लेकिन अब इतनी बरसों से जिस तरह से हुआ माइनिंग का दोहन हुआ है, वहाँ के स्थानीय लोगों का जो रोजगार मिलना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, तो नहीं हो पाया। अब उदाहरण के तौर पर हम दें आपका मुसाबनी जो हमारे क्षेत्र है वहाँ सुरदा माइंस ये लीज एक्सटेंशन नहीं होने के कारण वो माइंस बंद पड़ गया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को जिन्होंने जो अध्यादेश लाया है, इसमें उस क्षेत्र के विकास होना निहायत ही बहुत जरूरी है। और ऐसे माइंस है कि बहुत सारे लीज नहीं होने के कारण बंद पड़ा है। तो आज हम ये बात कहना चाहते हैं जो हमारे SCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वहाँ से लगभग 10-12 साल पहले मजदूरों को VRS दिया गया। VRS मिलने के बाद आज भी उस जगह है जो एरियर अभी तक भुगतान नहीं किया गया। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को ध्यान देना चाहता हूँ कि वहाँ 6 स्कूल शिक्षा के लिए खोला गया था माइंस की ओर से, अभी 12 साल से वहाँ के शिक्षकों को अभी तक ना उसका मानदेय का भुगतान हुआ, ना हो स्कूल को उन्होंने लोग चला रहा, बल्कि उसको बंद कर दिया गया, जिससे वहाँ के जनजातीय लोगों के लिए काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि आज मिनरल्स का दोहन होता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, मूलवासी लोग निवासियों हैं, उनका विस्थापन या उसका मुआवजा या पुनर्वास के लिए किसी तरह का ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप आज वो लोग जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। और जहाँ तक अवैध खनन की बात करते हैं, घुड़ाबांधा एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ पर पन्ना और नीलम का लगभग 15 साल से अवैध खनन जारी है। और जब मैं विधायक रहा तब महोदय उस जगह पर हम विधानसभा में इस बात को उठाने का कोशिश किया कि इतने बड़े पैने में पन्ना का और इसका जो तस्कर हो रहा है, इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार देखे और उनको जो है सूचीबद्ध करके उसके ऑक्शन के माध्यम से जो रियलिटी आएगा, क्योंकि पूरा पूरी नक्सल प्रभावित इलाका है, ना हुआ रास्ता है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, उनके रॉयल्टी द्वारा उस क्षेत्र का विकास करने की अति आवश्यकता है। जहाँ पर हम पिछले 100 साल से देखते हैं जो निजी उद्योग और सरकारी उद्योग द्वारा लगभग किरीबुरु मेगा हतुबुरु में जो लोहे का अयस्कता है, उस जगह में हम जाते हैं तो आज जो उस जनजातीय क्षेत्र में पीने का पानी तक भी उपलब्ध नहीं होता है। महोदय, वो लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। और जिस तरह यहाँ की जनजातीय क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की पलायन भारी मात्रा में हो रहा, अभी पिछले सालों ने केरल के स्टेशन में करीब 560 आदमी जो पूरा पूरी जनजातीय रहे, उन लोगों को जब रेल स्टेशन में पकड़ा गया और सर्च किया गया तो उन लोगों को लौटने के लिए भाड़ा तक रेल का भाड़ा भी नहीं था। तो माता जिस तरफ उस क्षेत्र के मालिक होते हुए भी आज दर दर भटक रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। आज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में सक्रिय है, ये भी एक मूल कारण है कि जहां माइंस और माइनिंग का खनन के बाद वहां का विस्थापितों का, वहां के लोगों का, ऊपर सरकार का उदारीकरण के साथ साथ लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए पुनः जो है सरकार के एक नियम बनाना चाहिए और अधिक से अधिक जो राजस्व है उस क्षेत्र में विकास करने की काम जरूरी है। जहाँ तक हम वहाँ पर अपनी क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ यूरेनियम का भंडार है और लगभग 6 जगह से यूरेनियम का वहाँ उत्पादन निकलते हैं। लेकिन अफसोस इस बात के वहाँ के आदिवासियों लोग को सिर्फ बीमारी मिला, वहाँ का विकास का कुछ नहीं मिला। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उस क्षेत्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्थापना करें, ताकि वो ट्राइबल क्षेत्र में जो बिजली का घोर अभाव है, जो शिक्षा के लिए हर विकास का काम अवरुद्ध हो पड़ा है, वो सुचारू रूप से चल पड़े, इसलिए उस क्षेत्र में विकास की गति को तेज किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जय श्रीमती।